सात सबूत जो दावा करते हैं योगी में एक मोदी है, सात सबूत जो इशारा करते हैं मोदी के बाद योगी है, अटल के बाद मोदी, मोदी के बाद योगी भविष्य है। सबूत नंबर एक, चुनाव से पहले कार्यकारिणी के बैठक में मोदी के सामने योगी ने प्रस्ताव रखा था। सबूत नंबर दो, योगी के कंधे पर मोदी ने हाथ रखा था। सबूत नंबर तीन, योगी के नाम पर यूपी में चुनाव जीता। सबूत नंबर चार, योगी को हराना मोदी की तरह नामुमकिन है। सबूत नंबर पाँच, योगी की जीत पर मुस्लिम देशों की नजर बनी है। सबूत नंबर छह, मोदी की तरह जातिगत एजेंडा भी योगी को नहीं हरा पाया। सबूत नंबर सात, दिल्ली कार्यालय पर मोदी की तरह योगी बीजेपी का झंडा फहराएंगे। हमें जितना याद है ये पहली बार होने जा रहा है कि किसी राज्य के सीएम को जीत के बाद ठीक दिल्ली बुलाया जाए। योगी के नाम पर मिली इस जीत पर मोदी गदगद हैं, बीजेपी का अभिमान बढ़ गया है। जो लोग कहते हैं चुनाव में मुद्दा मोदी का था वो गलत हैं, मुद्दा योगी थे, चेहरा योगी थे, क्योंकि हर प्रचार में मोदी की जुबान पर सिर्फ योगी का ही नाम था। तो क्या ये इशारा बीजेपी का भविष्य है? क्या देश की वो तलाश पूरी हो गई कि मोदी के बाद कौन? क्या अब मोदी योगी की ट्रेनिंग करेंगे? इसी पांच साल में बीजेपी अपना भविष्य तैयार करेगी और फिर योगी दिल्ली जाएंगे? ऐसे हजारों लाखों सवाल सोशल मीडिया के साथ जनता के भी मन में है। योगी की जीत में ऐसा क्या खास है कि उन्हें दूसरा मोदी कहा जाने लगा? मोदी के आने के बाद पहला चुनाव है जहां सीएम के दम पर बीजेपी जीती। मोदी के आने के बाद योगी का चेहरा बीजेपी में सबसे तेजी के साथ उभरा है। 12 राज्यों में बीजेपी शासित सीएम है, लेकिन योगी मोदी की जोड़ी हिट है। योगी मोदी के सबसे करीब पहुंचे, मोदी ने उनके कंधे पर हाथ तक रखा। अखिलेश मजाक बनाते रहे कि योगी विदेश नहीं गए, कुछ नहीं आता। आज विश्व भर की नजर, खास तौर से मुस्लिम देशों की नजर योगी पर है। यूपी ने 2014-2019 में पीएम दिया, भविष्य में योगी को भी दे सकता है। बीजेपी का चुनाव प्रचार योगी के आसपास घूमता रहा, ये भी ताकत है। ये तस्वीरें 2014-2019 की हैं, जब मोदी जीते थे तो बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पर कुछ ऐसा माहौल था। अब योगी को भी दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली में वो भी ठीक मोदी की तरह भाषण देंगे। ये सब क्या है? बाकी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली क्यों नहीं बुलाया जाता? सिर्फ योगी को ही आरएसएस और मोदी इतनी प्राथमिकता क्यों देते हैं? इसके पीछे एक नहीं 10 बड़े कारण हैं। जैसे मोदी के साथ हिंदुत्व का चेहरा था, उससे ज्यादा योगी के साथ जुड़ा है। जैसे मोदी जनाधार वाले नेता हैं, वैसे ही योगी जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। गुजरात में मोदी के बिना सियासत नहीं तो यूपी में योगी के बिना चर्चा नहीं। मोदी है तो मुमकिन है का नारा चला, तो योगी है यकीन है का नारा यूपी में चला। ये तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ मोदी की फोटो है। आपने किसी और चुनाव प्रचार में ऐसा कभी देखा है? मोदी के साथ योगी की तस्वीर को चुनावी कैंपेन में शामिल किया गया। तथा कथित पत्रकार राजनीतिक विश्लेषकों का चेहरा ठीक वैसे ही उतर गया है जैसे मोदी ने 2007 में जीत के बाद सबको गलत साबित कर दिया था। मोदी योगी में एक सबसे बात कॉमन है, दोनों अपने अपने राज्य में दिल्ली की मदद से नहीं बल्कि अपने दम पर जीतते आए। योगी को हरा पाना नामुमकिन होता रहा है। तो क्या ये मान लें कि मोदी के बाद भारत का भविष्य एक योगी होगा? इसलिए मुस्लिम देशों की नजर भारत पर और यूपी चुनाव के नतीजों पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।